भाई राम राम भाई भाई, एक तो इस ड्राइवर का फोन नहीं कटा भाई, दूसरा भाई ये इतने बड़े बड़े खड्डे। सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ भाई। जींद में हूँ और जींद का ही हूँ, तो बात कर ले वहाँ जींद का कितना का विकास होया है और खड्डे और ब्रान माटी तो हो रही है यार। ये कुछ लोग कहूँगे यार तने की कहने की जरूरत है, क्योंकि मैं भी एक आम आदमी हूँ। और चलो भाई बात करा यहाँ पे डायरेक्ट टॉपिक की, फिर भी एक वीडियो यहाँ पर दिखाई जाए, इतना बुरा हाल हो रहा है भाई। अब एक बारी इस बस ने और कट लेने देवा, फिर अब भाई यहाँ के लोगों से पूछेंगे के कुछ सीन है। ले ले भाई ले ले, आ गई तेरी फोटो। चलो भाई बतला लिया, अरे बैठे हैं कुछ। राम राम जी। राम राम जी। और जी ठीक हो? हाँ ठीक है। अच्छा जींद का के कुछ विकास चल रहा है? जींद का हो रहा है भट्ठा गोल है। क्यों करो गया? जींद में नहीं कोई रुखाड़ा है, सारा सौदा पैट के रखा है, ना इतनी समर्दा ना और या एक आई लाई है, या डेढ़ साल तक बंद है, या डेढ़ साल तक या लाइट और थ्री फेज का कनेक्शन था। अच्छा। सरकार का पीछे भी लग दे होंगे खाली के भी, या देख या बंद है भाई, और ये खड़े देख लो है ये जहाँ तक ये रोड है, ये इसमें किसी खड़े यू बना तो दिया, इसमें लेवल बढ़िया कौन ही था इसका? तो जी समस्या है, अड़े खड्डे हैं, अड़े लेवल को नहीं, अरवा लाइट भाई। उस लाइट का तो भाई मैं भी बता दूं, मेरे कहते साल डेढ़ साल से वह लाइट नहीं होगी, वह बड़ी सी लाइट दिखा है उसका, खड़ी खड़ी जरे लग गया, और उसका जो नीचे है बॉक्स हुआ है जितना, वो खुला बड़ा है, सिस्टम खुला ही पड़ा है, तार नुए खुल लग है, कोई वायरिंग नहीं है, कोई ढंग सर सी, कुल मिला के बुरी हालत है। थोड़ी सी हवा तेज चलते ही वो रात को आप कभी देखना बहुत हिलता है, रात को वो स्पार्किंग करता है, किसी भी टाइम वो गिर सकता है। जिस दिन लगाई थी सिर्फ पैसे चूसने के लिए लगाई थी, उसके बाद इसकी किसी ने सुध नहीं ली प्रशासन ने, अपना लगी 2 लाख की दिखा दी, 6 लाख की चार कमा के अपने घर बैठे, उसने कोई जरूरत नहीं है, किसी पर पड़ेगी गिरेगी कोई मतलब नहीं। 2 दिन बड़ी मुश्किल से लाइट जली होगी ये, उसके बाद रात को आना कभी जब हवा चलती है ऐसे हिलती है, ये पूरी हिलती है ये। महीन की दिक्कत है, रात में ताश भी नहीं खेल बंदे। भाई राम राम। कई बार रात में ताश खेल लो फिर लाइट गिरा जमा करा फिरना पड़ा है। ओ तरीका मतलब गनाजा करा चाहिए कोनी भी। फिर और क्या करा? लोगों की नहरी नहरी समस्याएं हैं भाई। मैं एम्प्लॉई होंगे जी, मैं नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं। सही बात है जी। अच्छा और आगे रोड का क्या ज्ञान है? रोड का 6 बजे टूट लिया, 6 बजे बन लिया, नई गाड़ी ले रहा हूँ हरियर, आधे तो आधे दाम जा लिए रोड के चक्कर में। जींद में ब्लॉक पिछड़ लग रहे हैं, ब्लॉक का मैंने तो बता दो फायदा की है, एक फायदा बता दो इस ब्लॉक का, आप नई गाड़ी लेगा 10 दिन बाद उसके नट दोबारा बदलो टाइट करवाने पड़ेंगे, आपने खुद पत्रकार हो, खुद गाड़ी में भी आओ, आपने बेरा भी है, ब्लॉक पिछड़ का सह रहे हो, गांव बनाया घेर दिया, क्यों सिर्फ 2 पैसे कमाने के चक्कर में अपने अपने रिश्तेदार हैं, ब्लॉक की फैक्ट्री खुलवा रखी है, जीसा ले रहे हैं बस, किसी ने कोई मतलब नहीं, सारी गली में हाउसिंग बोर्ड अर्बन स्टेट की तो जाके देखो, सारे ब्लॉक की बना दी भाई। हटा जा थोड़ा सा, बात तो मैंने सही है लगा है आपकी, सही लगा है, तू भी सामाजिक आदमी है, तू देख ये ब्लॉक बिछाने सही है गलत है, बिल्कुल भट्ठा गोल कर रखा, गांव बना दिया जींद, क्यों भाई और कमे के है विकास, पहले तो मिड्डा पोजीशन का था, बिला पोजीशन का है, काम नहीं हो सकते, काम नहीं, इब तो पोजीशन में सरकार है मिड्डे की, इब तो करवा दोगी, मैं कुछ नहीं, सारा सौदा भट्ठा गोल बना रखा, सारा पार्ट ये रखे नु है, किसी ना किसी तो कोई मतलब नहीं है। की बात है जो ये अमृत योजना है सिर्फ पैसे खाने का है, आप एक बात बताओ, जब राम वर्षा का एकदम इतना पानी ठा ले गए ये पाइप जितना इनकी डाल ले हैं, ये आप देखिए ये 5 नंबर 6 नंबर स्कीम तो डूबेगी, उसमें चर चर 8-8 फुट पानी हो जाएगा, क्यों जब राम वर्षा का एकदम पानी नहीं उठ सकता उसका, ये है बात।
ये पाइप डाल दिए छोटे छोटे, ये सारे होंगे बिलापो जापो कहाँ निकले, एकदम पानी ठा सकती है कोई ऐसी मशीन है राम बरसर एकदम पानी ठा ले। तो ये है बात जनाब। क्या कर रहे आप? बस मैं तो ये कह रहा था कुछ नहीं, गांव बना के घेर दिया जींद, विकास कड़ा है, विकास कुछ नहीं, विकास कुछ हो रहा है। इब तो एमएलए सरकार का होगा, इब कित गया वो, पहले तो बहाना बना दिया करता अपोजिशन के। छह महीने में अड़े का सौंदर्यकरण बढ़ जाएगा, खट्टर साहब भी कुछ कह गए। छह महीने के छह साल हो गए, आगे और छह साल निकल जाए कुछ नहीं होता है, तो लोली पोप है, चुनावी टाइम में फिर आ जाएंगे, फिर जनता बेवकूफ बना दें कुछ नहीं। विद्यापीठ मार गाड़ी, एक तरफ एस डी स्कूल है, एक तरफ हिंदू कॉलेज है, एक साल में बनी थी वहाँ, आपके चेयरमैन के साथ झगड़ा भी हुआ बल्कि वहाँ के बसिंदों का, एक साल में सड़क बनी थी वो, उन लोगों ने हाथ जोड़ के ये कह दिया हमारी जिसी पहले टूटी फूटी थी उसी राख दो, इसने हमने को नहीं चाहिए। और नहीं मैं क्या करें, ब्लॉक चौ दिखाऊंगा, सारे सीवर ऊंचे नीचे हैं, सारे ब्लॉक ऊंचे नीचे, पानी घेर दो अगर सही लेवल हो तो उसका। वाह जी वाह, भाई राम राम। राम राम भाई साहब, क्या कुछ कहना है? कहना तो ये भाई साहब बनाते हैं नहीं, सारा पाट के घेर दिया जी, जड़ा जी करे उड़े पाट दे हैं, पहले साथ के साथ बनाओ क्योंकि आगे मौसम भी खराब हो गया, धुंध का मौसम भी है, हर रोज आड़े कोई ना कोई परेशान रहता है, किसी गाड़ी दस्ती है करेन आड़े के 1000-2000 भाई हाथ में लगा है। चीनी की गाड़ी थी 2000 रुपये में कटवा के ले गया, यूपी की गाड़ी थी अड़ जींद में आई थी, आई वाला जब काट के ले गया, जींद का लोड नहीं लेवाएंगे, ट्रक वाला भी आज के बाद जींद में माल नहीं लेकर आवाएंगे, बुरा हाल है, सारी सड़क बिला टूटी नहीं, मेरा कड़ा को लिकड़ना है, कड़ा को बढ़ना है, बिला जींद में माल नहीं लेकर आऊंगा। और कितना लोगों उधर पटियाला चौक तो रख गए, जबरदस्त रोड बना देंगे, यूशा रोड बनेगा, ये मानस मार रोड से और कुछ नहीं, रोज एक्सीडेंट हुए हैं, रोज जूत बादल होगा, किसी गाड़ी बांगी होगी। पटियाला चौक पर वो लगाई थी रेड लाइट, कई दिन चल रही, चौथे दिन पाटते हैं प्रशासन ने, लाने का मतलब दिखा दिया और ला दी देखभाल खातर कौन उसे कर्मचारी, इतने रुपये ला दिए उस पर, 20 लाख रुपये लाए होंगे, रेड लाइट लाई वहाँ, उस तो संभालने के लिए नहीं है कोई, नहीं है प्रशासन है ही नहीं, बताओ किसने सुध बुध ली, मैं बंद पड़े हैं पोल नू के नू, मड़ाई चूसा अपना लुक जाए, मड़ाई चूसा लुक जाए, कुछ नहीं जींद में होता, जींद में विकास का कोई विकास खबर नहीं होती, पिंकी भी विकास तो बहुत दूर की बात है, ये देख लो ये आपका शामी है। भाई राम राम। राम राम भाई, क्या कुछ कहना है जनाब? भाई कहना यू है, कोई बोला कि भाई खुदा कहाँ है, जींद में आकर देख लो भाई, हर जगह खुदा है, खुद खुद का घेर दिया, लेकिन न भरने वाला कोई को नहीं, यू कहना। तो भाई बात तो सही है यार, इनकी समस्या बड़ी तगड़ी है, ठड़ी है, ये बुरी हालत हो रही है भाई, शक नहीं है इसमें, कोई गुंजाइश नहीं है, पूरा रोड यो उन्होंने हर दूर तो इन्होंने तगड़ी बिरान माटी हो रही है भाई। और मैं एक बारी मिड्डा साहब से इंटरव्यू लेके गया था, लगभग हो गया होगा साल, हो गया होगा 6 महीने हो गए होंगे, 8-10 महीने हो गए होंगे, मखा जी जो रोड के बीच में इतने ऊंचे ऊंचे डिवाइडर हैं इनका के इलाज, ये बोले जिनको जल्द से जल्द छोटे लगाए जाऊँगे, इन्हें हटाए जाऊँगे, कंप्लेंट डाल ली है, तो इफ्ती तो हटी नहीं भाई में, और इस रोड की ज्ञान बड़ा माड़ा हो रहा है भाई, घना माड़ा अड़ा काम चल रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही फिलहाल, तो देखने में तो कुछ आ नहीं रहा, आगे खड्डा दिखाऊंगा अपने में, आ जाओ भाई, ये बस कटेगी, देखियो भाई बस का भी सीन देख लो भाई, बड़ा अंगाला का है, जिस गाड़ी की मैं बात कर रहे थे दसरी थी वो खड्डा यो है ना, यो खड्डा है भाई, जो घना दस रहा था बूंडा, बहुत बूंडा काम हो रहा है भाई, आगे तो ये रोड सारा खराब पड़ा है, बाकी जो भी बन रहा है वो भी बैलेंस्ड में नहीं है, तटपुंजी आ काम हो रहा है भाई, मन तो नु इलाका है, मेरी गाड़ी आप खत्म हो रही है यार इन रोडों के चक्कर में, यहाँ से लेके दोटा फार्म तक आप ये देखो, अगर इस ये इस पक्की इतना ऊंचे ऊंचे ये पड़े हैं, ये देखो वो माटी देखो आप, इधर दूर तक माटी नुगी नू पड़ी है, कम से कम इधर ठीक तो करते लेवल में, ताकि लोग आ जाते रह जाते, ये देख रहे ये हाल है, अरे आपने दिखा दिया लेवल भी कोनी, वही पहली ईट लाई हूँ उनका भी लेवल कोनी, और भी धस गया जी, तो अरे ये दुकानदारी भी ठपी हो रही होगी, ठप ये तो आस पास बैठे किराया नहीं पटता,
तो भाई सरकार इस बारे में कितनी बार संज्ञान लेगी और कितनी बार कोई कदम उठा होगा बेरा नहीं। तो ये वीडियो आज के लिए इतनी काफ़ी है, थोड़ा सा और आगे आ जाऊँ भाई। और सच में यार कुल मिलाकर बुरी हालत है, अव्यवस्था पूरी है और सुविधा नहीं है यहाँ पे कोई। कुल मिला के सभी तो रोड है ना जमा ख़त्म रोड हो रहा है भाई। और भाई राम राम भाई। तो यह वीडियो भाई हमने किसी के लागी बता दिया भाई। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय भाई।